जी दोस्तों, नोमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर। तो मैच जनाब एशिया कप का जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान हुआ, तो इसके बारे में हम आपको बताते चलें कि इंडियन टीम के कैप्टन रोहित शर्मा ने जनाब टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। ये उनका फैसला कितना दुरुस्त साबित हुआ ये हम आपको बताते हैं जनाब। बांग्लादेश के जो बैट्समैन थे उन्होंने इस तरीके से धोया उनको कि ये आप तमाशाइयों का जोरों शोर और अरूज पर, और उसके साथ साथ ये देखें जनाब लंबे लंबे पोले उन्होंने मारे और 50 ओवर में 266 स्कोर बना दिया। और ये बड़ा फाइटिंग स्कोर था और उसका पता उस वक्त चला जब इंडियन की बैटिंग आई। इंडियन के बैट्समैन आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग करते रहे, बड़े ये धोनी का जनाब स्टैचू बना हुआ और वो भी उसको खराज तहसीन पेश करते हुए। और यहाँ पे देखा कि इंडियन टीम जो है वो मासवाई गिल के उसने सेंचुरी तो मार दी, लेकिन उसकी सेंचुरी जो है वो भी लिटिल मास्टर तेंदुलकर की तरह सिर्फ अपना ही स्कोर बना सकी और इंडियन टीम को अपनी शिकस्त से ना बचा सकी। और ये देखें 259 के ऊपर इंडिया की टीम जो है वो बुक हो गई। 265 स्कोर जनाब बांग्लादेश ने बनाया लेकिन इंडियन टीम को नहीं बनाने दिया, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जनाब। तो जूं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का बदला जो है उसके छोटे भाई बांग्लादेश ने इंडिया से ले लिया है। ये तो समझने की बातें होती हैं जनाब, वो समझे या ना समझे।